दोस्तों आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और इसके साथ ही आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों दीपावली का पर्व रोशनी का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है। भारत में बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है, रोशनी की जाती है, दीपक जला के हम माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। भगवान गणेश, देवी सरस्वती, कुबेर भगवान, इन सब की पूजा करते हैं। दीपक जलाने से हमें क्या लाभ होता है और दीपक हम किस प्रकार जलाएं और कहां पे जलाएं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं शास्त्रों के हिसाब से हमें दीपक कहां और किस प्रकार से जलाने चाहिए। दीपावली की संध्या पर लक्ष्मी पूजन से पहले मुख्य द्वार पर सरसों के तेल से दीपक जलाएं। अगर घर में आंगन है तो एक घी का दीपक आंगन में जलाएं, और अगर आंगन नहीं है तो ड्राइंग रूम में घर के बीचों बीच घी का दीपक जलाएं। लक्ष्मी पूजन के बाद पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाकर आएं। अपने घर और घर के आसपास कहीं भी अंधेरा दिखे तो बिना संकोच के जाएं और वहां पर दीपक जलाकर आए। रात में शयन कक्ष में घी का दीपक जलाएं और उसमें साथ में कपूर भी रख दें। कहते हैं कि इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। गृह स्वामिनी को दीपावली की रात में खाना बनाने से पहले दो दीपक रसोई घर में जरूर जलाने चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर भंडार में वृद्धि होती है। अगर आपके पास वाहन है तो वाहन के समीप एक दीपक जरूर जलाएं। तिजोरी के नज़दीक भगवान कुबेर की प्रार्थना करते हुए तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे साल भर भरी रहने के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी जल के रूप में हर घर घर में मौजूद रहती हैं, तो घर के पास में नदी, कुआं, तालाब या किसी भी प्रकार का जल स्रोत हो तो वहाँ दीपक जलाएं। अगर ऐसा संभव न हो तो घर में नल अथवा जल के किसी भी स्रोत के नज़दीक एक दीपक जरूर जलाएं। दीपावली की रात घर के चारों कोनों में चार मुख वाले दीपक जरूर जलाएं और भगवान गणेश जी से अपने चारों तरफ सुख समृद्धि की कामना जरूर करें। दीपावली की रात पूजन के पश्चात तुलसी के पौधे के नीचे भी एक दीपक जलाएं। इससे श्री विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। आप जानते हैं कि पहला दीपक हमें कहाँ जलाना चाहिए, तो सबसे पहले हमें दीपक मंदिर में जलाना चाहिए। दिवाली के पावन पर्व पर सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय अखंड दीपक जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि ये दीपक पूरी रात जलता रहे, बुझने ना पाए। दिवाली के अवसर पर पूजा करने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दिए लगाने चाहिए। कहा जाता है कि दिवाली की रात देवी लक्ष्मी
अपने भक्तों के घर में आती हैं। ऐसे में मुख्य द्वार को ज़रूर रोशन करें, क्योंकि मुख्य द्वार पर ही अंधेरा देखकर माँ लक्ष्मी वहीं से वापस चली जाती हैं। घर में नल के पास दिया रखना बहुत शुभ होता है। जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं उस स्थान पर दिवाली के दिन एक दिया जरूर रखें। मान्यता है ऐसा करने से आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। दिवाली की रात पूजन करने के बाद तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जरूर रखें। अगर संभव हो तो तुलसी पूजन भी करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तरीका था हमारे शास्त्र और वास्तु शास्त्र के हिसाब से दीपक जलाने का। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया पोस्ट को देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दिवाली शुभ हो, इसी कामना के साथ हमारा नमस्कार।